कुमार मिश्रा जी, आप खुद हिंदू धर्म से है, तो अब जो है मंदिर में इस तरह का काम होगा तो लोग क्यों पूजा पाठ करने भगवान के पास? यही बात है ना, ये जो नकली जो महंत लोग आ गए हैं तो यहाँ पे तो होगा ही, ये सभी लोगों को समझने और सोचने की जरूरत है। एक 50 साल की बुजुर्ग महिला आज वो सुरक्षित नहीं है, आज वो सुरक्षित नहीं है, आज हमारी 16 साल 18 साल 20 साल की जो हमारी जो माताएं बहन है वो कहाँ से सुरक्षित है? ये स्लोगन चलता है भाई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्लोगन नहीं, ये वो सरकार की वार्निंग है कि अगर आप बीजेपी से बेटी बचाओ, तो बीजेपी में जितने भी लोग हैं शेर के खाल में भेड़िया है। उत्तर प्रदेश का हालात जो है आज के डेट में जो है उत्तर प्रदेश के मॉडल पे जो है पूरा बीजेपी चल रहा है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बीजेपी से बेटी को बचाना है और इनसे जमीन भी बचाना है। आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर में जो भी सियासत चल रही है बीजेपी की, सिर्फ डराओ धमकाओ और कोई मुद्दा नहीं है। देखिए 28 तारीख का बजट आने वाला है, बजट के नाम पे कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन लेने के लिए किसानों से जमीन ले लेंगे, मध्यम वर्ग की गरीब आदमी से उनकी बहन बेटियों की इज्जत ले लेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों को इकट्ठा होकर जो गरीब खटके खाने वाला मेहनत कश को एकाध होकर इनके खिलाफ में जो है आंदोलन खेलना होगा, नहीं तो आने वाला दिन बहुत खराब होगा। इस मीडिया के माध्यम से हम लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि आइए एक साथ में हम लोग कांधे से कांधा जोड़कर इस भारतीय जनता पार्टी जैसे बलात्कारी पार्टी, यूपी सरकार में यानी कि योगी की सरकार में जितना भी कांड हो रहा है महिलाओं के लिए मुसलमानों के लिए, इसके अलावा काम कोई जानते नहीं है। कि अभी बदायूं में एक मामला हुआ, एक 50 वर्ष की महिला का गैंगरेप हो गया, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कैसे व्यक्ति लगते हैं आपको? बहुत ही रावण से ज्यादा खतरनाक ही है सच, ये इसको तो इंसान कहना ही गुनाह है, इस तो शैतान है, ये तो योगी है। हाँ योगी नाम क्या है, ये शैतान योगी है ये। नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी, रिएक्शन वाला पर आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि मनीषा के साथ हाथरस में किस तरह की घटना हुई थी और उसके बाद जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि इंसाफ होगा इंसाफ होगा, ये सीबीआई बना दी गई, एसआईटी गठित कर दी गई, मगर किसी तरह का कोई इंसाफ नहीं। अब जो एक ऐसी खबर आई है कि जो धर्म की जो जगह है, जो मंदिर मस्जिद होती है जहाँ पे लोग अपनी इबादत करते, अब जो है मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एक महिला जाती है पूजा पाठ करने बदायूं डिस्ट्रिक्ट में तो उसके साथ गैंगरेप होता है, उसके बाद जो है बॉडी को मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है और उसके बाद घर के बाहर बॉडी फेंक देती है। इस बार भी पुलिस की तरफ से जो रिएक्शन आया है वो बहुत गंदा रिएक्शन, और पुलिस ने आयन मौके पर वो कार्रवाई नहीं की है जो पुलिस को करना चाहिए था। 50 वर्ष के महिला के साथ गैंग रेप, उसके बाद जो है मर्डर कर दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। 6:30 बजे शाम को निकलती है महिला और जब पुलिस के पास जाया जाता है तो पुलिस मामले को इग्नोर करती है, मगर रात को 11 बजे उस महिला का शव जो है बाहर जो है घर के बाहर फेंक दिया जाता है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जो मुख्य आरोपी है सत्या नारायण महंत, जो खबरें चली उसके अनुसार जो उनका नाम सामने है, उनको अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। 50,000 रुपए का इनाम हो गया, एसआईटी गठित कर दी गया। भाई ये कुछ पॉलिटिकल लोगों से जानेंगे कि क्या मुद्दा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ना ही तो बेटियां सुरक्षित है ना ही जमीन सुरक्षित है, क्योंकि बेटियां सुरक्षित होती तो चिन्मयानंद का केस नहीं होता और अगर जमीन सुरक्षित होती तो ये किसान का आंदोलन नहीं चलता। किसान 40 दिन से आंदोलन कर रहे हैं मगर किसी तरह का कोई अपडेट नहीं है। कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। एक्चुअली देखिए होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जितने भी लोग हैं, कि पुराने जमाने की कहावत है कि शेर के खाल में भेड़िया है। उत्तर प्रदेश का हालात जो है आज के डेट में जो है उत्तर प्रदेश के मॉडल पे जो है पूरा बीजेपी चल रहा है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगी नाथ जी, वो खुद एक महंत हैं और ऐसे ऐसे महंतों पे वो रोक नहीं लगाने। कुछ दिन पहले चिन्मयानंद जो है मालिश करवाते पकड़े गए, पूरा सोशल मीडिया मीडिया में सारा जगत में इसको हम लोगों ने देखा, बहुत सी प्रतिक्रिया आई, लेकिन बीजेपी के तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, क्योंकि सोची समझी हुई राजनीति से ये लोग चलते हैं। और ये जो भी खेल चल रहा है, हम बोलते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बीजेपी से बेटी को बचाना है और इनसे जमीन भी बचाना है, जिससे आप बोल के गए। आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर में जो भी सियासत चल रही है बीजेपी की, सिर्फ डराओ धमकाओ और कोई मुद्दा नहीं है। न तो इनके ज़माने में न तो एम्प्लॉयमेंट है, न नौकरी है, न शिक्षा, न शिक्षा पे कोई बजट है। अभी देखिए 28 तारीख का बजट आने वाला है, फरवरी में बजट आने वाला है, बजट के नाम पे कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन लेने के लिए किसानों से जमीन ले लेंगे, मध्यम वर्ग की गरीब आदमी से उनकी बहन बेटियों की इज्जत ले लेंगे, जो देश के छोटे मोटे जो कारोबारी हैं उनके कारोबार को हथियाने के लिए विदेशी ताकतों को विदेशी पूंजीपतियों को ला के जो है यहाँ के व्यापार को ख़त्म करेंगे। आज लॉकडाउन के बाद जो है 14-15 करोड़ लोगों की नौकरियाँ गई हैं, हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े पैसे वाले 68,000 करोड़ का मुनाफा कमाए हैं। तो आज ये जो स्थिति जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में रह गई है, सारे लोगों को इकट्ठा होके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों को इकट्ठा होकर जो गरीब खटके खाने वाला मेहनत कश को एकाध होकर इनके खिलाफ में जो है आंदोलन
छेड़ना होगा, नहीं तो आने वाला दिन बहुत खराब होगा। इस मीडिया के माध्यम से हम लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि आइए एक साथ में हम लोग कांधे से कांधा जोड़कर इस भारतीय जनता पार्टी जैसे बलात्कारी पार्टी जो हम लोग देख रहे हैं, बलात्कारी जनता पार्टी जो बन चुकी है, आइए देखिए ये लोगों का ये मोटिव भी रहा है कि देश के अंदर में सिर्फ भय का एक आलम बनाना, हिंदू को मुसलमान से डराया जा रहा है कि अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम जो है कम से कम आपको मुसलमान से सुरक्षित कर रहे हैं, मुसलमान पर हम टॉर्चर कर रहे हैं, हम ये ऐसा होता नहीं है। अच्छा, आप खुद आपने जो नाम बताया राजकुमार मिश्रा जी, आप खुद हिंदू धर्म से है, तो अब जो है मंदिर में इस तरह का काम होगा तो लोग क्यों पूजा पाठ करने भगवान के पास? यही बात है ना, ये जो नकली जो महंत लोग आ गए हैं तो यहाँ पे तो होगा ही, ये सभी लोगों को समझने और सोचने की जरूरत है। इस घटना से जो है बात ये नहीं है कि घटना जो घटी है, एक 50 साल की बुजुर्ग महिला आज वो सुरक्षित नहीं है, जो एक माँ भाभी बहन बड़ी बहन की के दायरे में आती है आज वो सुरक्षित नहीं है। आज हमारी 16 साल 18 साल 20 साल की जो हमारी जो माताएं बहनें वो कहाँ से सुरक्षित है? ये स्लोगन चलता है भाई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्लोगन नहीं, ये वो सरकार की वार्निंग है कि अगर आप बीजेपी से बेटी बचाओ, नहीं तो अगर आप आघात करना होगा अब उठ खड़ा होना होगा। लोग को पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पश्चिम बंगाल से लेते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों को जो है इस आंदोलन में शामिल होना होगा बीजेपी के खिलाफ। चाहिए, अरे देख का इधर आई, क्या नाम हुआ? मोहम्मद शाह आलम खान। आलम खान साहब, ये बताइए कि अभी बदायूं में एक मामला हुआ, एक 50 वर्ष की महिला का गैंगरेप हो गया, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कैसे व्यक्ति लगते हैं आपको? बहुत ही रावण से ज्यादा खतरनाक ही है सच में, ये इसको तो इंसान कहना ही गुनाह है, इस तो शैतान है, ये तो योगी है। हाँ, योगी नाम क्या है, ये शैतान योगी है, ये शैतान योगी है। हाँ, ये ढोंगी है, इसको तो यही काम है कि रेप कराना, गुंडागर्दी करना, अच्छा ही से इससे मतलब नहीं। रहने वाले आप? हम वही के हैं, गाजीपुर के। गाजीपुर के जी हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हाथरस का मामला ठंडा नहीं हुआ और एक नया मामला पैदा हो गया? जब तक योगी मोदी रहेगा नया मामला आता रहेगा, ये कोई नई बात नहीं है, ये सबको हर आदमी को सोचना चाहिए, ये है तो नया मामला आना ही है। हिंदुस्तान में कोई प्रॉपर्टी है नहीं, जो है बिक जाएगा, ये घर द्वार सब बिक्री हो जाएगी, गुलाम बनाने वाली ये पार्टी है। हाँ, तो भाई आपको लगता है कि इसके सरकार में महिलाएं सुरक्षित सच में नहीं है, क्योंकि जो मीडिया की रिपोर्ट आती तो वो है, मीडिया छोड़ के सब कोई सुरक्षित नहीं है, मीडिया सिर्फ सुरक्षित है और बीजेपी और कोई सुरक्षित इसमें नहीं है, क्या कि इसको रुपया मिलता है, मीडिया खुश है, कोई दिखाना नहीं है बस, और इसके बारे में बोलना ही गुनाह है जो हो रहा है। अच्छा, एक बात और बताइए कि अभी जो जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, 2021-22 में वहाँ इलेक्शन होना है विधानसभा का, तो लगता है कि योगी आदित्यनाथ कुछ काम किए हैं या कुछ, क्योंकि आप खुद उत्तर प्रदेश? बहुत काम किए हैं, दंगा किए हैं, रेप हुआ है, अब इससे बड़ा काम किया कर रहे हैं, ये और किया और करेंगे, ये जब तक 21-22 और जब तक ये रहेंगे, इलेक्शन कमेटी है, सरकार उनकी रहेगी, कहें कि वोट से तो मतलब है नहीं, इनको तो ईवीएम से मतलब है, जितना हमारा काम है वोट दो कि मत दो, अपना काम करना है। मतलब महिला सुरक्षित नहीं है एकदम? आप सुरक्षित हैं, हम लोग खुद सुरक्षित नहीं, महिला की बात छोड़ दिए, मीडिया सुरक्षित है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैनुद्दीन है, नीचे आ जा। क्या नाम है? मैनुद्दीन। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? यूपी के। कहाँ से? बाराबंकी जिला से। तो बदायूं बहुत ज्यादा दूर नहीं है? जी नहीं, बहुत दूर नहीं है। जो मामला हुआ 50 वर्ष की महिला के साथ, पंडित जी ने मतलब जो वहाँ के वो थे उन्होंने जो है रेप कर दिया, गैंग रेप हो गया। जी सही, यूपी सरकार में यानी कि योगी सरकार में जितना भी कांड हो रहा है महिलाओं के लिए, मुसलमानों के लिए, इसके अलावा काम कोई जानते नहीं है। मुसलमान के मोहल्ले में जाते हैं बाजार के दर वाले, हर हर महादेव कहते हैं, नफरत यूपी में बेहाल हो गया है, मुसलमान सब्जी नहीं बेच सकता है, दूसरा बस्ती में हिंदू बस्ती में जाते, हिंदू भी सुरक्षित नहीं है, महिला तो हिंदू समाज से ज़्यादातर परेशानी मुसलमानों को है योगी सरकार में। अच्छा, लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा उसको? नहीं, नहीं मिलेगा, जहाँ सब चोरे चोर होंगे इंसाफ कैसे होगा, वहाँ पर इंसाफ नहीं होगा सर। योगी आदित्यनाथ कैसे व्यक्ति लगते हैं? इसका योगी है ना, कोई लड़का ना कोई बच्चा, तो कैसा इंसान के साथ बर्ताव करेगा वो? दे मोदी है जो अपनी पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी ट्यूशन पढ़ाती है और मोदी अपना यहाँ हुकूमत कर रहा है, तो मोदी का आवाम कैसा रहेगा, उसकी देखभाल कर पाएगा? जो आदमी पत्नी के साथ नहीं मोहब्बत कर पा रहा है, आवाम के साथ बच्चों के साथ क्या करेगा?
बदायूं की जो घटना है वो कहीं सभी जो है किसी भी तरीके से जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। और जिस तरह से बदायूं में 50 वर्ष महिला के साथ जिस तरह की घटना है, वो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के सरकार पर, प्रशासन पर, वहां के पुलिस डिपार्टमेंट पर एक बड़ा सवाल उठाती है। मगर सवाल ये है कि इंसाफ कब मिलेगा? सिर्फ SIT बना दी जाती है, CBI जाँच का हुक्म दे दिया जाता है, उसके बाद जो है कई बार ऐसा सामने आता है कि जो जितने भी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज है उनके जो है अंतर्गत, उनके क्यादत में, उनके लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में जो है गठित तो कमेटी जरूर कर दी जाती है, अगर इंसाफ नहीं मिलता है। ना मनीषा को इंसाफ मिला और ये 50 वर्ष की महिला है, इनको क्या इंसाफ मिलेगा? मैं रजा अंसारी कोलकाता से अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा दूसरे अपडेट के साथ।